बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 32 है, चैप्टर नंबर 5 की। आज हमने डिटेल्ड मार्किंग करनी है, और डिटेल मार्किंग से मुराद, स्टूडेंट आपको पता है कि मैं इस लेसन के अंदर जो है वो कंप्लीट बुक के टॉपिक्स में शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो प्रॉपर मार्किंग है वो करवाता हूँ, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ लिखनी है और याद करनी। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम अपनी बुक से। स्टूडेंट जी, हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी डिस्कशन हमने करनी है, डिटेल्ड मार्किंग करनी है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ये है लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वॉज एन आइज़ैक न्यूटन। ठीक है, इसे आइज़ैक न्यूटन भी कहा जाता है। इट वॉज एन इवनिंग, तो ये डिटेल जो है वो हमारे पास है अबाउट द न्यूटन, कि ये कब की बात है, उसने क्यों सोचा, और जो है वो उन दिनों में वो किस चीज़ पर रिसर्च कर रहा था जिसकी वजह से उसके जहन में जो है ये ग्रेविटेशन का आइडिया आया। एंड देन आफ्टर इट वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इन दिस लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉन्ग क्वेश्चन, एंड आफ्टर इट वी हैव टू राइट सम एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन एंड डायग्राम। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आप डेफिनेशन लिखेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मैसेज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो डायग्राम आपने पीछे वाले देखी है स्टूडेंट, ये वाली, ये डायग्राम भी आप साइड पर इसी तरह साइड पर बनाएंगे, जहाँ एक्सप्लेनेशन लिख रहे हों उसके सामने ही बनाया करें। अक्सर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन के एंड पर या एक्सप्लेनेशन से पहले बना देते हैं, तो सबसे अच्छा इंप्रेशन तो यह है कि आप जहाँ एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं उसके साथ एक छोटे से हिस्से पर डायग्राम बना दें, ताकि पता चले कि हम इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट होगी यहाँ तक, और उसके बाद अपनी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज़ बताएंगे यहाँ से। हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स वैल्यू इज 6.673 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ तक जो है वो आप कंप्लीट करेंगे, और एक छोटा सा कंक्लूजन आप सिंपली लिख देंगे। कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले तो आप अपनी वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन को दोबारा से लिखेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ का एक छोटा सा कंपैरिजन बताएंगे, और इसी के साथ यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। यहाँ तक जब न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टूडेंट बारी आती है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर आप किस चीज़ का जो है वो कंपैरिजन शो करेंगे, या क्या ऐसी ख़ास बात है जो आप इसके अंदर बताएंगे। एक्चुअली न्यूटन का जो थर्ड लॉ है स्टूडेंट, ये आपको आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके लिए स्टूडेंट फिर हम लोगों ने इस पॉइंट को क्लियर करना होगा। तो हम यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लास्ट जो है ये आपके पास कंक्लूजन होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी होगा। इसी तरह स्टूडेंट फिर आपके पास पेज नंबर 109 पर आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन लिखनी है, जो आपने याद करनी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का बल्क है हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह सबसे पहले नंबर पे तो हमने जब ग्रेविटेशनल फील्ड की डिस्कशन की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मीन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर मैंने आपको बताया था नॉन कनेक्टेड फोर्सेस, फील्ड फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया, और उसकी वैल्यूज़ भी आपको बताई थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन हैं जो आप याद करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ मैंशन नहीं है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला है उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। इसी तरह स्टूडेंट, और बल्कि आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख लें,
नो इशू, मैं जो है वो बोल रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे जो है वो अपनी डेफिनेशंस कुछ यहाँ पर नोट डाउन कर भी लीजिएगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन जो है स्टूडेंट वो ये होगी, अ स्पेस और अ रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, स्पेस और अ रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट में देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच इट द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये पॉइंट भी आपने स्टूडेंट याद रखना। ये एक MCQs के फॉर्म के अंदर भी आपसे दो बातें पूछी जा सकती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट और कनेक्टेड फोर्सेस, और इसी तरह ऊपर वाली बात पूछी जा सकती है कि हाउ डज द वेट ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट एक बोल्ड लेटर में नजर आ रहा है, ये है जी फील्ड फोर्स। और फील्ड फोर्स हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम फील्ड फोर्स का नाम दे सकते हैं, तो उसके लिए हम वर्डिंग कुछ लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ और नॉट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। इट इज एज्यूम्ड दैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, ये इन्फॉर्मेशन है। और ये फील्ड फोर्स की डेफिनेशन स्टार्ट होती है दिस इज ड्यू टू से लेकर फील्ड फोर्स तक। इस टॉपिक के अंदर एक और डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, तो वो डेफिनेशन स्टार्ट होती है आपके पास यहाँ लास्ट से, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड, ये लास्ट सेंटेंस देख लें, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर kg। तो ये दो वैल्यूज आपने याद रखने। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द मास ऑफ अर्थ, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ के लिए भी कैलकुलेशन स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले आप यहाँ पर मास ऑफ अर्थ को डिफाइन करने से पहले आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी हेल्प की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी कंसीडर से लेकर और यहाँ तक ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इसी तरह फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग दे के या कैलकुलेशन की हेडिंग दे के स्टूडेंट आप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5.3 एंड 5.4 वी गेट द 5.5 इक्वेशन, एंड देन आफ्टर इट वी जस्ट सेपरेट द वैल्यू ऑफ एम ई एंड विल गेट द आंसर एज एन इक्वेशन 5.7। नाउ by substituting the given values in this formula, the value of the radius of earth is 6.4 into 10 raised to power 6 meter, the value of small g gravitational force is 10 meter per second square, aur isi tarah se the gravitational constant jo universal gravitational constant tha uski value thi 6.673 into 10 raised to power minus 11। तो स्टूडेंट ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप अपने फार्मूला के अंदर अगर सब्सिट्यूट कर दें तो उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाता है। और एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये है बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है और बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू लर्न दिस लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अच्छा यहाँ पर आपको स्टूडेंट 6.4 ये जो रेडियस की वैल्यू स्मॉल जी की, कैपिटल जी की और मास ऑफ अर्थ की, इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको ये चार वैल्यूज़ का याद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, स्टूडेंट इसका कंक्लूजन सुन लीजिएगा, कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेविटी की वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम कंक्लूड करते हैं और उनको भी स्टूडेंट साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे तो इस पेज पर 111 पेज पर आपको मिलता है द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये आपके पास पॉइंट है, इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस. एल्टीट्यूड का क्या मतलब है स्टूडेंट? हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की. ये वर्टिकल हाइट होती है, जैसे ज़मीन से इस तरह से ऊपर की तरफ वर्टिकल हाइट. अगर हम इस तरह से हाइट की बात करें तो ये स्टूडेंट हम इसको मोस्टली हाइट की बजाय लेंथ या डिस्टेंस कंसिडर करते हैं एंड दिस इज़ हॉरिजेंटल. तो दो पॉइंट आपको वहाँ से मिल गए. सेकेंडली, जो हम लोग नॉर्मली ये जी की वैल्यू यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली ये 10 मीटर नहीं है, ये 9.8 है और 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. हम उसको राउंड ऑफ करके 10 यूज़ करते हैं और 9.83 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो सरफेस ऑफ अर्थ पर है लेकिन एट सी लेवल. सरफेस ऑफ अर्थ से मुराद कि ज़मीन की सतह के ऊपर तो पहाड़ भी मौजूद है ना, तो पहाड़ की ऊंचाई तक की वह बात नहीं की जा रही बल्कि सबसे निचली सतह यानी सतह समुंदर की बात की जा रही है जो कि बैलेंस्ड सरफेस होती है. इसी तरह कुछ मैंने एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पर लिखवाई थी कि कितने डिस्टेंस पर क्या हाइट होती है, कितने डिस्टेंस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी आप अपनी बुक के अंदर साइड इन्फॉर्मेशन में खुद से लिख लिया करें जो मैं लेक्चर्स में आपको बताता हूँ. इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs है स्टूडेंट वो यहाँ पर है. वी कम टू नो डैट एट अ हाइट इक्वल टू वन अर्थ रेडियस अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ जी बिकम 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, एक पॉइंट. और सेकेंड ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस अबव द सर्फेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट वो टॉपिक इसके अंदर मैंने वेरिएशन ऑफ जी की बात की थी, या ये समझ लें कि मैंने ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी. उस टॉपिक में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया था कि ये 1/4 और 1/2 या 9/4 इनकी क्या वैल्यू है, या हमारे पास ये जो 2 अर्थ रेडियस की बात करता है या 3 अर्थ रेडियस की बात करेगा उसकी क्या चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट आता है, क्या वैल्यूज़ होती हैं वो. तो वो सारी डिटेल मैंने अपने उस क्वेश्चन के अंदर जो उस टॉपिक के अंदर है मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो हमारे पास स्टूडेंट लेसन है, इस लेसन के अंदर हमने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंक्लूड किया था, जिसमें सबसे पहले नंबर पे वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. एन ऑब्जेक्ट डेट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट. सेम सैटेलाइट के बाद स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. देन आफ्टर इट वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. Scientists have sent many objects into space. Some of these revolve around the Earth. These are called artificial satellite. इसकी example में student हमारे पास different आ जाती हैं. Communication satellite, artificial satellite, carry instruments, passengers, perform an experiments. और इस तरह के मैंने बहुत ज़्यादा आपको types बताई थी. जैसे for example, कुछ types के नाम मैं दोबारा repeat कर देता हूँ. कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, नेविगेशन सैटेलाइट थी, GPS सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, ड्रोन सैटेलाइट, ग्राउंड पॉलर, नैनो सैटेलाइट. तो इस तरह की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 9 सैटेलाइट्स की जो टाइप्स थी वो मैंने आपको बताई थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स. इसके बाद स्टूडेंट फिर हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो स्टूडेंट द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 400 to 300 किलोमीटर. और यही आप याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. इसी तरह इट्स वैल्यू, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो, सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कंसिडर इट एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट हम यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, विच इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. As Earth also completed its one revolution about and its axis in 24 hours. यानी सैटेलाइट 24 घंटे के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है और इसी तरह ज़मीन भी अपना एक सर्कल 24 घंटे में कंप्लीट करती है. तो 24 hours और 24 hours both are same. So hence we can say that these communication satellites appears to be stationary with respect to Earth. ठीक है, हम यहाँ से अब इसका आंसर लिखेंगे. What is meant by the geostationary satellite? What is meant by the geostationary orbit? हम यहाँ पर लिख सकते हैं The communication satellites appears to be stationary with respect to Earth. It is due to this the reason that the orbit of such satellite is called geostationary orbit and the satellites are called geostationary satellites. ये sentence आप यहाँ पर add कर सकते हैं. एक और आसान अल्फाज में अगर आप definition इसकी लिखना चाहें, अगर question आ जाए what is meant by the geostationary satellite, तो आप ये भी बता सकते हैं student. A satellite whose velocity with respect to Earth is zero is called geostationary satellite.
तो ये दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रेलेवेंट विच इज़ अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है स्टूडेंट। ये भी हमारे पास तकरीबन 24 अर्थ सैटेलाइट्स होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरह इसकी स्पीड जो है वो 3.87 किलोमीटर्स होती है। इसी तरह मैंने आपको कुछ और वैल्यूज़ भी यहाँ पर बताई थी कि आज तक दुनिया के अंदर तकरीबन कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको वैल्यूज़ बता दूँ दोबारा से, सिंस 1957 यानी 1957 से लेकर आज तक जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं उनकी तादाद 8378 है, 8378। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि करंटली इस वक्त कितनी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो वर्क कर रही हैं अराउंड द अर्थ, वो हैं स्टूडेंट हमारे पास करंटली 2020 के लिहाज से जो हमारी वैल्यू है विच इज़ 2128। इसी तरह ये वो हैं जो हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रही हैं। 2018 में 382 लॉन्च की गई थी, 2017 में 453 लॉन्च की गई थी। और स्टूडेंट अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो कितनी हैं, तो उनकी क्वांटिटी स्टूडेंट 402 है जो इस वक्त स्टिल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं, डाटा द 402। स्टूडेंट इनके यूजेस भी मैंने कुछ आपको बताए थे, और मोस्टली एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो रेडियस है यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, इसकी रीडिंग भी मैंने अपने टॉपिक में बताई थी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 36,000 किलोमीटर्स टू 42,000 किलोमीटर्स, कि इस रेंज के दरमियान जितने भी डिस्टेंस पर हमारे पास वैल्यूज आती हैं स्टूडेंट वो सारी की सारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज थी इनसे रिलेटेड। स्टूडेंट इसी के साथ फिर हम लोगों ने एक और पॉइंट क्लियर करना है अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट से या सैटेलाइट से रेलेवेंट, तो वो है हमारे पास जी मून, क्योंकि बिकॉज जस्ट द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सो मून इज़ नियरली 380,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इट कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 27.3 डेज। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ये सारी डिस्कशन थी हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, जो हमारे MCQs के अंदर बहुत ज़्यादा या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की यूजेस की, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसी तरह कुछ मैं और यूजेज आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं ताकि हम अपने क्लाइमेट चेंज को, अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को, अपने एग्रीकल्चर प्लैनेट्स को, इसी तरह GPS सिस्टम को, नेविगेशन को, कम्युनिकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इन डिफरेंट पर्पजेज के लिए जो है वो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो साथ साथ अब आपको क्लियर करने हैं, जैसे कि मून की ग्रेविटी कितनी है, तो ये कुछ वैल्यूज़ और भी हैं जो यहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट इसी तरह अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे इस चैप्टर का जो थर्ड और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका एक और नाम स्टूडेंट ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, फाइंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो कन्फ्यूज नहीं होना, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन डिस्क्राइब करनी है, उसके बाद कंसीडर से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, और लिखने के साथ ही स्टूडेंट थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ ये लिखेंगे द वेलोसिटी विच इज सॉरी अ सैटेलाइट मस्ट पोजेस व्हेन लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस अराउंड द अर्थ। ये एक पॉइंट जो है वो इसके साथ आप साथ मेंशन करेंगे अपनी सेकंड पैराग्राफ में, ये एक्सप्लेनेशन होगी। फिर आप मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आते हैं, तो स्टूडेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच, आर इज मोर ग्रेटर देन एच,
फिर ये इक्वेशंस लिखेंगे और इसके साथ लास्ट में स्टूडेंट देखें कि ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें जी और आर की, तो हमें ये 8 किलोमीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर की वैल्यूज नहीं मिलती। तो अगर आपने अपना ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सुना है, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट किया था, तो मैंने एक कंप्लीट डेरिवेशन आपको बताई थी ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट आप अपनी अगर वो एक्सप्लेनेशन और वो जो मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ लिख दें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इसी तरह फिर आप लास्ट में अपनी ये वैल्यू फाइंड आउट करके कंक्लूड करेंगे कि नाउ दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच रिवॉल्विंग अराउंड क्लोज टू द अर्थ। सो दिस इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो वैल्यूज़ आप यहाँ पर स्टूडेंट इसके साथ ही बताते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला हम कल अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर अपने जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह ताला हम उनको कवर करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।